रोगों का कारण बता रहा हूं। एक कारण जेनेटिक, कोई भी अर्थराइटिस है, अस्थमा है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर, स्किन प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सभी रोग बालों के झड़ने से लेकर के आंखों के चश्मे से लेकर के जो कुछ भी अच्छा या बुरा हमारे जीवन में है उसका एक कारण जेनेटिक होता है। रोग भी जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, हाँ, ये सब जेनेटिक रोग भी हमने योग से अच्छे किए। किसी भी कारण से रोग हो, रोगों का एक और बड़ा कारण है एनवायरनमेंट, रोगों का एक बड़ा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोने उठने खाने पीने जागने का कोई ठिकाना नहीं, पूरी प्रकृति देखो ऐसे, ये थोड़ा ये बैक के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है ऐसे। वात रोग, वात रोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है प्राणायाम। वात रोग, जितना फ्रेश ऑक्सीजन जाएगा आपके स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, आइज की सेल, प्रत्येक ऑर्गन के सेल, सभी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ये जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये फेफड़ों से हार्ट में जाता है, रक्त कोशिकाओं के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा अवशोषित होकर के फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है भस्त्रिका से। मैंने बोला था नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये है, ये ऑक्सीजन अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरापी है। जो लंबे गहरे सांस नहीं लेंगे उनको कैंसर होने की संभावना है। कैंसर का एक कारण जेनेटिक है, दूसरा कारण इसका पोल्यूशन है, तीसरा कारण इसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, चौथा कारण इसका रेड मीट है, पांचवा कारण इसका ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना है, फिर अलग अलग प्रकार के जो केमिकली फूड हैं, जो एडल्टेशन वाले फूड है, मिलावटी खाना है, केमिकल्स वाला खाना है, उसके कारण से कैंसर होता है। लंबे समय तक कोई नशा आदि करने से, बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने से कैंसर होता है। कैंसर का एक कारण नहीं है, और कैंसर का एक कारण मोटापा भी है। फैट सेल्स ये कैंसर सेल्स की खुराक होता है। किसी भी कारण से कैंसर हो, आप प्राणायाम से कैंसर मिटा सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। मैंने ये बात 25 साल पहले कहने शुरू की थी, 2007 में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका का, उन्होंने प्रयोग करके देखा, जो है कैंसर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन दिया तो मर गए। जरा गौर से सुनना, कैंसर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन दिया तो मर गए।